बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो माशाल्लाह आज 21 मई 2021 और दिन है जी आज जुम्मतुल मुबारक। तो तमाम दोस्तों को सबसे पहले जुम्मा मुबारक और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को बाजुमा जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ कर फार्म से आप देख रहे हैं सुबह 7:30-8 बजे का है जी माशाल्लाह मनाजर। और जानवर जो हैं वो ओवरऑल ज़्यादातर खा पी के बैठे हुए हैं, जगाली वगैरह कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा पुरसकून माहौल है, अल्लाह ताला ने बहारें लगाई हुई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही बहारें लगाई रखे। तो माशाल्लाह जी ये हमारे मड वाले जो जानवर हैं अशरफ साहब के, ये मैं उधर हूँ फ़िलहाल। तो माशाल्लाह जी चेक करें जानवरों की गुलाइयाँ, जानवरों के कलर, जानवरों की शाइनिंग्स, माशाल्लाह तंदरुस्त फिटफाट हैं। ओवरऑल जितने भी जानवर हैं एक भी जानवर नहीं है जो थोड़ा सा भी डैमेज हो या बीमार हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला का एहसान करम और आप दोस्तों की दुआओं का नतीजा है कि हमारी भी ये दुआ है कि हमारे जितने भी जानवर हैं, हमारे जो दोस्त घरों में या फार्मर हजरात हैं, अल्लाह ताला उनके जानवरों को भी तंदुरुस्ती दे। तो वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है जी, वक्तन फ़वक्तन जो भी सरकारी शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीनेशन आती है हर बंदे को, चाहे वो फार्मर हो चाहे वो घरों में रखे हुए हों, तो वैक्सीनेशन ज़रूर करें। तो फार्मर हजरात तो कभी भी तखीर नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो घरों में रखे होते हैं वहाँ से फिर लोग गफलत करते हैं और बीमारी है जो ज़ोर पकड़ती है और फैलते फैलते फैल जाती है, उसका भी नुकसान होता है और साथ दूसरे लोगों का भी नुकसान होता है। तो काइंडली वैक्सीनेशन का ख़ास ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ केयर फार्म के तमाम वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है वक्त के साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मुँह खुर की भी हुई है, गलगोटू की भी हुई है, डिवर्मिंग भी होती रहती है। इसके अलावा भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम देते हैं जानवरों को, मसाले और जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह जानवर ठीक फीड उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ग्रोथ भी आ रही है इनकी। तो माशाल्लाह जी अज़ीज़ का फार्म पे 2021 और 2022 के जानवरों की आमद भी जारी है और बुकिंग भी जारी है। अगर कोई भी दोस्त 2021 के लिए अपना बछड़ा पलवाई के लिए भेजना चाहे तो लोकेशन हमारी है तहसील हासिलपुर और ज़िला बहावलपुर और मुल्तान हमारी डिवीज़न है जी। तो ये लोकेशन है, आप नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं इस पर ज़रा काइंडली इन्फो कर दें और अपना जो बछड़ा है कुर्बानी वाला वो आप इधर डिलीवर करवा सकते हैं जी। तो अल्लाह ताला के करम और फजल से जो रिज़ल्ट हैं वो आप लोगों के साथ शेयर हो रहे हैं डेली बेस पर, आप वीडियोज़ भी देख रहे हैं अपने घर बैठे हुए। ये समझ लें कि जो दोस्त हैं शौकीन और घर की अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं, ये अज़ीज़ केयर फार्म उनके शौक पूरे कर रहा है, ये उनके घर की कुर्बानियां हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने ही किसी आसपास के यानी कि गांव में अपना जानवर पलवाते हैं तो आप वहां पे डेली जाके चेक नहीं कर सकते अपने जानवर को, लेकिन जो तरीक़ाकार अज़ीज़ केयर फार्म ने अपनाया है अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा कि आप डेली बेस पे अपने जो जानवर हैं अपने घर बैठे हुए अपना चेक कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है आज उसकी और कैसा है वो। तो ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहद एक अज़ीज़ केयर फार्म है जी जो डेली बेस पे आपको वीडियो आपको पहुंचाता है, आप तक दिखाता है जानवर और जानवरों के जो वज़न वगैरह करते हैं वो भी दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जो डिफरेंस होता है जो मामलात होते हैं वो बताते हैं। तो इस लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ केयर फार्म को इज़्ज़त हासिल है और इसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे सस्ता पलाई सेंटर होने का भी इज़्ज़त हासिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची में भी पलाई सेंटर हैं, क्वेटा में भी हैं, बलूचिस्तान में काफ़ी सारे हैं, लाहौर में भी हैं, आप वहाँ से भी रेट चेक करें कि क्या पलवाई ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अज़ीज़ केयर फार्म क्या ले रहा है पलाई पर जनवर पर मंथ के हिसाब से, और उनकी ग्रोथ भी चेक करें पर डे कितनी दे रहे हैं और हमारी भी ग्रोथ चेक करें कि हमारी ग्रोथ क्या आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ओवरऑल ग्रोथ होती है, ये नहीं होता कि आपने पिछले 10 दिन में बताई थी ये थी या पिछले महीने की हमारी ये ग्रोथ आई थी, ये नहीं। ओवरऑल
अगले साल के लिए जो तरीकाकार होगा कि जब भी किसी दोस्त का एक बछड़ा आता है तो उसकी एक अलग से स्पेशल फाइल बनेगी जिसमें उसकी पिक होगी, उसका एड्रेस होगा, बंदे का टेलीफोन नंबर और सारा बायोडाटा होगा, और उसके बछड़े की भी साथ तस्वीर होगी। और उसके जैसे ही वो आएगा उसका हम वेट करेंगे, वेट उसका नोट होता जाएगा साथ साथ। जैसे हम 15 दिन बाद या महीने बाद जब भी वेट करते हैं तो हर बंदे की फाइल में हर बछड़े का वो होता जाएगा, और जब हम डिलीवर करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइल भी साथ ही जाएगी, ताकि वो बंदे को पता चल जाए कि हमारा बछड़ा जब अजीज़ का फार्म पे गया था तो तब वो 200 kg का था, और आज कुर्बानी वाले दिन या कुर्बानी से कुछ 2-4 दिन पहले जब हमने वहाँ से रिसीव किया है तो आज इसका वज़न 500 kg है या 700 kg है जी। तो इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हमने ये खर्चा किया है और इसका ये रिज़ल्ट मिला है, और इसकी सालाना जो ग्रोथ है वो क्या आई है। क्योंकि महीने में तो बाज़ अवकात होता है कि जानवर जो है इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करता, और बाज़ महीने ऐसे होते हैं जिसमें वो 1.25 मन और 2-2 मन तक भी 40 kg, 50 kg, 60 kg तक यानी कि जानवर जो वेट गेन कर जाता है। तो ये चीज़ होती है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी जो है वेट फैसिलिटी सारी हैं, वेट करने की भी फैसिलिटी है हमारे पास, कांटा रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी कोई भी दोस्त का बछड़ा आता है तो हम उसका वेट करते हैं, वेट करने के बाद उसको हम बता देते हैं कि आपका ये वेट है, और बाकी कोई भी इशू होता है, कोई मसले मसाइल होते हैं वो हम वीडियो में बताते रहते हैं साथ साथ कि हमारा ये डेवलपमेंट हो रही है या हम ये मेडिसिन दे रहे हैं या ये वैक्सीन कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, पहला साल था जो अल्लाह ताला के करम और फजल से बड़े ही अच्छे और बेहतर तौर पे कंप्लीट हो रहा है। अल्लाह के करम से कुर्बानी करीब है, अभी जो सारा प्रोसीजर है वो हमारा जो है डिलीवरी के ऊपर फोकस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमने माल को कैसे जो है दोस्तों तक पहुँचाना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जानवर आए हुए हैं हमारे पास। तो अल्लाह ताला का जी करम है, वो सारा एस्टीमेट होगा, सारा कैलकुलेट हो रहा है मामलात को, तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप दोस्त भी अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट्स बॉक्स का लाजमी इस्तेमाल कर सकता है, कोई अच्छा सा आइडिया, कोई अच्छा मशवरा डिलीवरी के सिलसिले में। तो माशाल्लाह जी ये सब चारे वाले जानवर आ गए उधर। तो अगले साल के लिए जो पहले साल में मिस्टेकें गलतियां थीं अल्हम्दुलिल्लाह उसको कवर करेंगे, और लिमिटेड सा काम करने का इरादा है जी अल्लाह के करम से, थोड़ा होगा लेकिन अच्छा होगा, नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा। तो पहला साल था, हमें हर चीज़ हर तरह के मौसम को पहली मरतबा फेस करना पड़ा, और उस लिहाज से हमें तैयारी भी करनी पड़ी, अखराजात भी बहुत हुए हैं फार्म के ऊपर भी, और इसके अलावा तो मसले मसाइल आते थे क्योंकि मौसम की तब्दीली के साथ साथ कभी कैसा, तो उस हिसाब से हमें सारा अरेंजमेंट करना पड़ा। गर्मी आई तो हमें छाँव की ज़रूरत पड़ी, सर्दी आई तो हमें धूप की ज़रूरत पड़ी। तो काफ़ी यानी कि है, ये पहला साल तो था भागदौड़ में गुजर गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पूरा यानी कि हर तरह के मौसम से गुजर चुके हैं। तो जिस वजह से जी अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, यानी कि जो मामलात हैं वो हो चुके हैं, धूप छाँव का हमें पता चल गया कि ये निज़ाम है और ऐसे होगा और ऐसे है किया है हमने और ऐसे बेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं जी जो हमने सीखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल जो है हमारी भागदौड़ कम होगी और जानवरों पे ज़्यादा फोकस होगा। तो माशाल्लाह जी जो अगले साल का प्रोग्राम है उसमें हम टोटल बांध के अप्लाई करें, और बांध के अप्लाई करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट आते हैं जी, बहुत ज़्यादा बेहतर आते हैं, उससे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और जानवर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जानवर जो बांधे होते हैं हर किसी की फीड उसके हिस्से की उसके सामने पड़ी होती है, हमें पता होता है कि ये खा रहा है, नज़र भी आ जाता है क्योंकि हम भी इधर ही होते हैं, विज़िट कर रहे होते हैं अंदर, जब फीड शीट डालते हैं तो साथ होते हैं भाई साहब, शाही साहब और तारक साहब या मैं या वाल साहब होते हैं, कोई ना कोई लाजमी होता है फीड के टाइम पर, तो देखते हैं, नज़र होती है हमारी तमाम जानवरों के ऊपर कि कौन सा बछड़ा क्या कर रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, फिर उसको उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका, अगर मसाला जार की ज़रूरत हो तो मसाला देते हैं, अगर नमक की ज़रूरत हो तो नमक देते हैं, अगर डिवॉर्मिंग की ज़रूरत हो तो डिवॉर्मिंग करते हैं। तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो है वो रुकेगा नहीं,
पहले जब हमने आज़ाद छोड़े हुए थे तो फीड खुली में डाल देते थे, तो कुछ खारे होते हैं, बड़े जो होते हैं ताकतवर, वो तो धक्का देते हैं, ये टक्कर लगाते हैं, साइड पे चल भी तू, तो खुद खाते हैं पहले मोटा मोटा माल। जब तूड़ी रह जाती है या भूसा रह जाता है या केला, कोई मोटा माल उठाने के बाद जो रह जाता है फिर वो खाता है जो कमज़ोर होता है। तो मोटा जो बड़ा होता है ताकतवर, वो ताकतवर से ताकतवर होता जाता है, और जो वीक होता है वो वीक ही रह जाता है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बांदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जानवर हैं जिनको हम मसाला देते रहते हैं, दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करते हैं जब किसी को देते हैं कि आज हमने आपके बछड़े को ये मसाला दिया है या ये डिवर्मिंग की है या ये किया है या वो किया है, जो भी होता है मामला जिधर के, तो वो आप दोस्तों के साथ शेयर होते रहते हैं जी। पर्सनल नंबर पे भी होते हैं, जब अगर ज़्यादा हो तो फिर हम बाकायदा यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करते हैं वीडियोस को। तो माशाल्लाह जी, दो 2022 के लिए अभी बछड़ा इधर अजीज़ के फार्म पे अप्लाई के लिए आ जाएगा ईद से पहले पहले, तो उसका हम लेंगे 6,200 रुपये पर महीने का बकरा ईद तक। बकरा ईद के फ़ौरन बाद जो है उसका पैकेज हो जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये उसका हो जाएगा पैकेज। तो अल्लाह ताला के करम फजल से 2021 का जो अभी जानवर आता है प्राई के लिए, तो उसका हम लेंगे 11,500 रुपये महीने का, 11,500 रुपये 2021 की कुर्बानी वाले जानवर का लेंगे। तो माशाल्लाह जी बहुत अच्छा और मक़ूल रेट है, अल्हम्दुलिल्लाह खुला माहौल है, साफ़ सुथरी जगह दी हुई है और हर तरह की अरेंजमेंट है। अगले साल इंशाल्लाह ताला देखेंगे, कोशिश हुआ है कि हमारी अभी इधर खुलियाँ वगैरह बने, ऑटो वाली पानी की भी सहूलत हो ताकि जानवर के पास 24 घंटे पानी होगा। तो फंडे वाला जानवर है ये, पानी ज़्यादा पीता है क्योंकि फीड इनकी गर्म होती है और उठाता है पानी, तो अल्लाह ताला का जी शुक्र है। लेकिन फ़िलहाल बेहतर मैनेजमेंट हो रही है, जो बांधे हुए हैं हमारे जानवर लकड़ी की खुलियों के ऊपर, इनको भी हम दिन में 3 से 4 से 5 मरतबा पानी पिला रहे हैं, तो माशाल्लाह बेहतर हैं ये जानवर। देखें आप माशाल्लाह खा पी के बैठे हुए हैं और जिगाली वगैरह कर रहे हैं। ये जी 51 नंबर है रिजवान साहब का, माशाल्लाह चेक करें जी, आज माशाल्लाह इसका पेट भरा हुआ है और खा पी रहा है। ये है जी लियाकत साहब माशाल्लाह मस्कत से, ये उनका है। और ये आ गया जी अजीज़ का फार्म का 81, और ये 113 खालिद साहब फ्रॉम जर्मन से। और ये चेक करें जी, ये है जी 58 इब्राहिम साहब का माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह जैसे डिलीवरी के लिए तैयार हो, बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ पेड़ लेके अपना, तो माशाल्लाह जी। और ये है जी मिज़ान 86 कराची से हैं जी माशाल्लाह। और ये है जी दिलबर न्याजी साहब का माशाल्लाह 116 नंबर कराची से। और ये आ गया जी आसम पठान साहब हैं फ्रॉम जेलम से। और ये आ गया जी माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं जी रावलपिंडी से मोहम्मद अहमद साहब, ये उनका है 68 टैग नंबर माशाल्लाह। गुलाई चेक करें जी अहमद साहब, देखें अपना माशाल्लाह जानवर को कितना चेंज हो चुका है। जब ये आया था माशाल्लाह था ठीक, लेकिन ये स्मार्ट था, स्लिम था बिल्कुल। तो अभी माशाल्लाह इसका पेट चेक करें, इसका पेट जो है वो निकला हुआ है बाहर को दोनों तरफ से, तो माशाल्लाह कवर है जी। और ये जी 113 नंबर, ये है जी 113 टैग नंबर है। और ये है जी खालिद साहब जर्मन से, वो पहले वाला गलत हो गया, वो सेम कलर है, ये वो ब्लैक ब्यूटी थी पहले अमर साहब की, तो वो भी माशाल्लाह कलर चेंज कर चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। ये भी चेक करें और इसका कलर सेम कर मैच कर रहा है, ये बिल्कुल ब्लैक था जब आया था हमारे पास। ये 8 नंबर है टैग हार साहब है स्वीडन से हमारे दोस्त, ये उनका है, ये कलर मैच कर रहा है इसका बिल्कुल 113 के साथ। ये है टैग नंबर 8 और वो है 113, तो कलर माशाल्लाह बिल्कुल इसने चेंज किया है अपना, तो जिस वजह से थोड़ा सा डाउट हो गया। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट हैं जी। और ये आ गया जी मोहम्मद अहमद साहब का टैग नंबर 73,
और ये चेक करें माशाल्लाह इब्राहिम साहब का 57 है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा शौक से खा पी रहा है दिल लगा के, तो माशाल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर है। ये चेक करें पेट इसका नीचे को जा रहा है, इसका पेट ज़्यादा है जो नीचे को जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, फैलता जा रहा है नीचे से। और ये आ गया जी अली साहब का 47 टैग नंबर माशाल्लाह। और ये आ गया जी अहमद रज़ा साहब हैं मुल्तान से, तो ये चेक करें जी माशाल्लाह। और ये चेक करें जी, ये है जी मस्ताना, ये मस्ताना आ गया। और ये आ गया जी गुडलक 1 और गुडलक 2, नुमान साहब हैं जी फ्रॉम कराची से। और ये आ गया जी अली साहब का 21 टैग नंबर, ब्लैक ब्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी, बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी माशाल्लाह। चेक करें इसकी गुलाई। और ये आ गया जी आमर साहब का माशाल्लाह, ओ सॉरी आसफ साहब हैं इस्लामाबाद से, ये उनका है 70 टैग नंबर ये, और 73 ये सेम कलर हैं और सेम कंडीशन है इनकी। और ये अली साहब का आ गया ब्राह्मण 2022 के लिए। और ये आ गया जी 29 टैग नंबर मसरूर साहब हैं। और ये चेक करें जी माशाल्लाह 114 नंबर है 114। और ये है अहमद गुल हरिपुर हज़ारा से। बाकी ओवरऑल चेक करें जी जानवर जो हैं वो अपना माशाल्लाह पेट भर के बैठे हुए हैं और सो रहे हैं, साथ साथ आवाज़ें आ रही हैं इनके, जैसे बंदा सोता हुआ कराटे लेता है ना ऐसे माशाल्लाह इनकी भी आवाज़ें आ रही हैं साथ साथ। तो चेक करें माशाल्लाह पेट शेट निकले हुए हैं इनके। ये आसफ साहब का आ गया जी 119 नंबर। और ये कस्बा, ये चेक करें माशाल्लाह जी बड़ा खूबसूरत है। और ये देखिए माशाल्लाह जी बैठे हुए हैं, ये 130 नंबर सॉरी 30 नंबर आ गया इब्राहिम साहब का 13 टैग नंबर। और ये आ गया जी रैम्बो है ये अतीक साहब का माशाल्लाह, अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे जी। ये शहजाद साहब का आ गया 59। और इसके साथ ये आ गया जी 69 है, ये 69 है जी, ये 59 और 69 दोनों सेम इकट्ठे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह इसकी कंडीशन, राजी के बैठा हुआ पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कवर है बिल्कुल। और ये आ गया जी शहजाद साहब का 54। और ये शहजाद साहब का आ गया जी 75 ब्लैक ब्यूटी। और ये आ गया जी शबीर साहब है माशाल्लाह लाहौर से। और ये आ गया जी अली साहब का 43 माशाल्लाह पटेला। और ये आ गया जी माशाल्लाह स्विंग का सुल्तान, चेक करें माशाल्लाह बड़ा माशाल्लाह बैल है ये। और ये आ गया जी जुनेद साहब का 140। और ये आ गया जी माशाल्लाह जुनेद साहब जवेद साहब हैं जी मुल्तान से, ये उनका है 91। तो ये है जी माशाल्लाह अशरफ साहब का 147 नंबर टैग। और ये आ गया 149 नंबर माशाल्लाह, बड़े लंबी चौड़ी बेल और बड़े लंबे चौड़े पैर हैं जी। और ये आ गया जी 50 148। और ये आ गया 150 माशाल्लाह जी, तंदुरुस्त फिट फाट हैं। और ये मनीष साहब हैं जी तुर्की से, ये उनका 124 नंबर। और ये बैठा हुआ है सोसा, ये भी मनीष साहब का है जी 155। और ये है जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह इब्राहिम साहब का है जी 53 टैग नंबर, चेक करें माशाल्लाह ये भी गुलाई पकड़ रहा है बड़ी। और ये आ गया जी डॉक्टर मुश्तबा साहब का स्वाद। और ये आ गया जी माशाल्लाह इब्राहिम साहब का 33, जो 69 है वो इससे भी माशाल्लाह कदम ऊपर चला गया है, तो कदम माशाल्लाह इससे भी बड़ा हो चुका है वो 33 नंबर से, माशाल्लाह ठीक कद बनाया उसने। और ये आ गया जी मोबीन साहब का, ये टैग नंबर है जी अस्कर है ये माशाल्लाह मोबीन साहब। और ये आ गया जी 22, ये है जी माशाल्लाह अब्दुल लतीफ़ फटक साहब फ्रॉम पेशावर से। तो ये देखें ये थोड़ा सा ना इधर होके बैठा हुआ है ये, जिस वजह से है। और ये माजे साहब हैं जी 19 नंबर टैग, ये चेक करें। और ये जी मस्ताना आ गया, और मस्ताना बोल दिया, ये लाल बादशाह मोहम्मद समी का माशाल्लाह जी, ये उनका है। और ये शोएब साहब का है जी, शोएब साहब फ्रॉम कराची से।
तो माशाल्लाह जी तंदुरुस्त फिट फाट अपना पेट शेट भर के जगाली कर रहा है बैठा आराम से। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की जाती है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है जी अज़ीज़ केयर फार्म के नाम से, उसको भी लाइक एंड फॉलो करें और दुआओं में याद रखिएगा जी अज़ीज़ केयर फार्म और उसकी टीम को। अभी दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।